ज़िले मुस्तकर आदिलाबाद में आम आदमी पार्टी के जानिब से गुज़िश्ता 3 दिन से मेंबरशिप मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक 600 से ज़ायद अफराद ने मेंबरशिप हासिल की है। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी सैयद शाह राशिदुल हक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी तेलंगाना के जुमला 119 असम्बली नशिस्तों पर इंतखाबात में मुकाबला करेगी, इसलिए कि तेलंगाना के अवाम दियानतदार और शफाफ सियासत चाहती है, ताकि अवाम के वोट लेकर अवाम को लूटने वाले नेताओं का खात्मा किया जा सके। इंतखाबात के मौके पर आम जनता से तरक्याती ख्वाब दिखाकर मुकरने वाले नेताओं को अवाम सबक सिखाना चाहती है। आम आदमी पार्टी आम जनता की खिदमात के लिए आदिलाबाद से भी अपना बेबाक खाइद को इंतखाबी मैदान में उतारेगी, ताकि आदिलाबाद के अवाम के साथ ही हो रही नाइंसाफी को दूर किया जा सके। राशिदुल हक ने अवाम से अपील की है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल होकर अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करें और शफाफ सियासत का हिस्सा बने। आम आदमी पार्टी आदिलाबाद की जानिब से पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। जो लोग भी आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे हैं, वो लोग आकर यहाँ पे इस्तीफा हासिल कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की जानिब से बहुत जल्द यहाँ पे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आम आदमी पार्टी तेलंगाना स्टेट के सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कॉन्टेस्ट करने का इरादा रखती है, और उसी हिसाब से आदिलाबाद में भी कॉन्टेस्ट किया जाएगा। बहरहाल पिछले 4.5 सालों से आदिलाबाद की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई है। तेलंगाना हुकूमत और ख़ासतौर पर हमारे जो वजीर जंगलात थे जोगू रामन्ना साहब, उन्होंने आदिलाबाद को और बैकवर्ड करने का काम किया है। आज आदिलाबाद की आवाम की आंखों में आंसू हैं। आम आदमी पार्टी उन आंसुओं को पोंछने का काम करेगी और आदिलाबाद से करप्शन के खात्मे की उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी के सिवा कोई ऐसी जमात नहीं है। आम आदमी पार्टी एक वाहिद जमात है जो करप्शन का खात्मा कर सकती है। जो आदिलाबाद की आवाम है वो लोग इन सारे मुश्किलात से राहत हासिल करना चाहते हैं, तो वो लोग आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें। आम आदमी पार्टी जो भी जो गरीब तबका है, जो आम आदमी है, उन लोगों में से लीडर्स बना के आगे पहुंचाना चाहती है। ये लोग आज तक जिस तरह से हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के वोट लेने के बाद जिस तरह से इन लोगों का रुबाब चलता है, जिन लोग VIP कल्चर का खात्मा चाहती है, ये लोग आज जो 10-10 गाड़ियां इनके पीछे घूम रही है, हमारे टैक्स के पैसों से ये लोग राज कर रहे हैं। तो वक्त है कि आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करें।